राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरपाल चौधरी ने बुधवार को हापुड़ में कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसकी रालोद पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहा है। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद ये निश्चित है कि केंद्र में रालोद के बिना सरकार नहीं बनेगी। नहीं, हम लोग देखो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग रहे हैं। और ये जो हम रथ यात्रा लेके चल रहे हैं, ये 15 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी, 75 विधानसभाओं में को निकल कर जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल 15 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहा है और अपनी दावेदारी ठोक रहा है, हम मजबूती से 15 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि 2024 में राष्ट्रीय लोकदल के बिना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के बिना केंद्र में अब की बात सरकार नहीं बनेगी किसी की। रालोद नेता नीरपाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ रही है। गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया जाए। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की समस्याओं को लेके, चाहे वो गन्ने की समस्या, किसी भी फसल की समस्या, चाहे MSP की समस्या, संसद से लेके सड़क तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके ये सिपाही कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और गन्ने का भुगतान पिछला भी करवाएंगे। और हमारी लड़ाई ये है कि जिस तरह कोर्ट के आदेश है कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, अगर ये 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो ब्याज भी मिलना चाहिए, हमारी लड़ाई ये है। और MSP ये तुरंत एकदम MSP घोषित करें, चाहे हमारे धान की फसल है, चाहे मक्का की फसल है, कोई भी फसल है, MSP हमारे मिलना चाहिए। और एक मांग मैं आपके बीच में और रखना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि पेराई सत्र शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से हमारे चीनी मिलों का, और अब तक गन्ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया, तो मेरी सरकार से मांग है हमारी सबकी, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, कि 500 रुपये कुंटल गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। रालोद नेता ने कहा कि आगामी 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा निकलेगी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू होकर शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि जनपदों से होते हुए 23 दिसंबर को किसान घाट दिल्ली पर समाप्त होगी। संदेश यात्रा का उद्देश्य लोगों को चौधरी साहब के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति जागरूक करना है। चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा निकालने का आयोजन प्रस्तावित है, किया जा रहा है। ये हमारी रथ यात्रा सहारनपुर से शुभारंभ होगी, शामली, बागपत, बड़ौद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, रामपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा होते हुए 23 दिसंबर को इसका समापन होगा किसान घाट पर दिल्ली में। 23 दिसंबर को हमारे सरदार पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उस दिन इसका समापन किया जाएगा।